फिरोजाबाद विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर पैदल यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें पूर्व सांसद अक्षय यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं, जो कि कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैलगाड़ी पर चल रहे थे। तभी बैलगाड़ी में वजन ज़्यादा हो गया और बैलगाड़ी ऊपर उठ गई। पूर्व सांसद अक्षय यादव और कार्यकर्ता गिरने से बाल बाल बचे। फिर कई कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी को नीचे किया, तब उतरकर पैदल ही पदयात्रा में शामिल हुए। कार्यकर्ता बहुत उत्साह में थे और वो बैल के आगे से हट ही नहीं रहे थे। बैल को गुस्सा आ गया, उसने थोड़ी टक्कर मार दी। अब थोड़ी सी छोटी सी घटना हुई जिसमें बैलगाड़ी पलट गई। सर आप भी थे ना उसमें? हाँ, उसमें हम भी खड़े थे। क्या कोई कार्यकर्ताओं में जोश इतना था जिसका हम लोगों ने सामना किया है आज। जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस बढ़ गई है, फिरोजाबाद में डेंगू से लगातार 3 महीने में हजारों मौत हो चुकी हैं, मेयर और जो इसकी विधायक का झगड़ा है ये कारण रहा मौतों का, तो इन सब के विरोध में और जो किसानों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, काला कानून वापस नहीं हो रहा है और हत्याएं हो गई किसानों की, उसके विरोध में आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं। सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए